भाई साहब बाराबंकी जनपद में तो गजब ही हो गया। गजब इस कदर से हो गया कि जैसे ही हम रोड पर निकले तो सांसद का पुतला ही फूंक दिया गया। पहले मिट्टी तेल डाली, फिर पेट्रोल डाली और ना जाने क्या क्या डाल दिया, पर पुतला फूंक दिया गया। अब किस कदर का नजारा देखने को मिला और किस कदर का आक्रोश देखने को मिला, आप इन तस्वीरों से भी अंदाजा लगा सकते हैं। फिर आपको बता दें कि राष्ट्रीय किसान मोर्चा द्वारा ये आंदोलन निकाला गया था और कम से कम 25 लोग रहे होंगे, लेकिन भाई साहब आक्रोश इस कदर से था कि मानो करोड़ों किसान उठ खड़ा हुआ है। फिलहाल क्या कह रहे हैं ये किसान, आइए सुनते हैं, समझते हैं और जरा ध्यान सुनेगा इनकी बातों को, क्योंकि गुस्सा तो बहुत है, क्योंकि भाई साहब बाराबंकी जनपद के सांसद का पुतला इस कदर से फूंका गया कि आप इन तस्वीरों से भी अंदाजा लगाना चाहे ना तब भी नहीं लगा। पुतला हम लोगों ने इसलिए राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर दहन किया गया कि जो लोकसभा में जून माह में कानून पास किया गया है एक देश एक बाजार, तो उससे इस देश में 15% ही किसान जिनके पास 96% भूमि है और जो 85% किसान है उनके पास 6% भूमि है, वो क्या यहाँ से 10 क्विंटल अपना सामान लेकर अगर दूसरे प्रदेश को जाएंगे तो उनका इतना भाड़ा हो जाएगा वो बेच भी नहीं पाएंगे, और मंडी परिषद में कोई सुधार नहीं किया गया है, और जितनी भी जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं उनकी स्टॉक सीमा खत्म कर दी गई है चाहे जितना, तो यहाँ पर छोटे काश्तकारों का जो धान या गेहूँ जो भी सामान है वो मनमाने मूल्य से खरीदेंगे और इसलिए वो भुखमरी पर कगार हो जाएंगे और आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाएंगे इससे। और जो मोटे अनाज हैं गेहूँ बाजरा ज्वार चना, इनका समर्थन मूल्य घोषित ही नहीं किया गया है, जबकि हमारे कृषि मंत्री जी कहते हैं घोषित किया गया है, लोकसभा में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं पास हुआ है। इसलिए पूरे राष्ट्र में कार्यक्रम बनाया गया है मूल निवासी छोटे काश्त किसानों के हित में रखते हुए। ये सांसद लोग जब ये बिल पास हो रहा था तो लोकसभा में एक शब्द भी नहीं बोले, जबकि आज ये सांसद जो हैं हम किसानों गरीबों की वोट से बने हुए हैं, हमारे अधिकार वहाँ पर छीने जा रहे थे, इन लोगों ने एक शब्द नहीं उतारा बोला। इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया कि 31 अगस्त को इनका पुतला प्रत्येक भारत के जिले में जलाया जाएगा और 14 सितंबर को प्रत्येक विधानसभा की तहसील में प्रत्येक विधायक का पुतला दहन हम लोग करेंगे। आगे की रणनीति जो है जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व आएगी वो की जाएगी, इसीलिए हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। जय मोदी। तो बाबा सुरेश चंद्र वर्मा की बातें आपने सुनी, नहीं सुनी तो फिर से सुन लीजिएगा, क्योंकि सांसद जी का पुतला तो आज फूंक ही दिया गया है, अब बचे विधायक जी, उनका भी पुतला जल्दी फूंक दिया जाएगा। फिलहाल वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। पर फिलहाल बाराबंकी जनपद समेत उत्तर प्रदेश के लिए सत्येंद्र कुमार के साथ विकास कुमार की ब्यूरो रिपोर्ट। वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।